In our previous section, we studied the concept of polarization. Polarization क्या होता है? Polarization is the phenomena in which vibrations of light waves are restricted to vibrate in only one plane. ये हम लोग ने कैसे example लिया था? Suppose एक हमारे पास opening है. अब इस opening में अगर हम लोग को scale को अंदर डालना है, तो क्या scale ऐसे अंदर जाएगा? नहीं. क्या स्केल इस प्लेन में डालेंगे तो अंदर जाएगा? नहीं. क्या इस प्लेन में डालेंगे तो अंदर जाएगा? नहीं. सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में स्केल अंदर जाएगा. तो एक ही प्लेन है जिसमें ये स्केल अंदर जाता है. ऐसा ही फेनोमेना हम लोग ने देखा था पोलराइजेशन का. अगर लाइट वेव इस प्लेन में भी है, 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 और अगर हम लोग एक पोलराइजिंग मटेरियल लगा दे, तो पोलराइजिंग मटेरियल उसको सिर्फ एक ही प्लेन में अंदर जाने देगा. तो दैट मटेरियल कॉजेस पोलराइजेशन. वो लाइट का सिर्फ एक प्लेन में जाने देगा. लाइट के बहुत सारे हम लोग के पास वाइब्रेशंस होंगे अलग अलग प्लेन्स में, कोई इस प्लेन में, कोई इस प्लेन में, कोई बीच वाले प्लेन में, कोई और बीच वाले प्लेन में, बट ये सिर्फ एक प्लेन के लाइट को अंदर जाने देगा. Now, the substance which creates polarization is named as polaroid. Polarizing material जो है, वो substance जो polarization दिखाए, उसका नाम है polaroid. Examples of polarizing material, examples of polaroid are tourmaline crystal. ये tourmaline crystal, crystal है, जैसे diamond एक crystal है, वैसे ही tourmaline crystal भी एक क्रिस्टल है. हम लोग ज्वेलरी की तरह उसको पहन सकते हैं नेकलेस में, लेकिन हम लोग फिजिक्स में उसको किस बात से देख रहे हैं? फैशन के हिसाब से नहीं, हम लोग फिजिक्स में उसको पोलराइजेशन फेनोमेना के हिसाब से देख रहे हैं. अगर एक टूरमलिन क्रिस्टल हम लोग यहां पे रख दिए, तो लाइट जब अनपोलराइज्ड लाइट आएगा, तो टूरमलिन क्रिस्टल सिर्फ एक ही प्लेन में लाइट को वाइब्रेट करने के लिए रेस्ट्रिक्ट करेगा. तो टूरमलिन क्रिस्टल is an example of polaroid. Similarly, दूसरा भी एक material है जिसका नाम है nickel prism. Nickel prism is also a polaroid. What is polaroid? How do we define polaroid? So for that, look at this definition. It is the large sheet of synthetic material packed with tiny particles of dichroic, मतलब polarizing crystals. Examples are nickel prism and tourmaline crystal. What are the uses of polaroids? As I said in the last section, polaroid or polarizing material is used in 3D movie shooting. 3D movie ka shooting karna hai, wahan pe kaam aata hai. Wo 3D movie mein jo hum log goggles dekhte hain, wo bhi polarizing material ke bane hote hain. Car ke headlights, wo bhi polarizing material ke bane hote hain. LCD display, jo hum log TV aajkal LCD technology ke TV dekhte hain, उसमें भी पोलराइजिंग ग्लास होता है. फिर कैलकुलेटर के स्क्रीन्स पे भी कभी कभी पोलराइजिंग ग्लास होता है. तो देयर आर वेरियस यूजेस ऑफ पोलराइजिंग मटेरियल, वेरियस यूजेस ऑफ पोलराइड. तो हम लोग एक एक करके उसको समझने का थोड़ा सा कोशिश करते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल, 3D मूवी कैमराज एंड गॉगल्स, ये कैसे वर्क करता है? तो उसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे मेरा ही अगर शूटिंग करना है, मान लो मेरा 3D में शूटिंग करना है, तो मेरे शूटिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे? 3D शूटिंग और 2D शूटिंग अलग है. जो तुम अभी देख रहे हो वो 2D शूटिंग है. मेरा 2D इमेज तुम्हें दिखाई दे रहा है वहां पे. 2D और 3D में क्या फर्क होगा? एक प्लेन में जो दिखाई दे वो 2D है, और जो तीनों डायमेंशन में दिखाई दे वो 3D है. जैसे तुम अभी मेरा चेहरा देख के बता सकते हो क्या मेरा कान आगे है या नाक आगे है? तो वी कैनॉट से लुकिंग एट द 2D इमेज, वी कैनॉट से नाक आगे है या कान आगे है. हम लोग 3D स्ट्रक्चर देखेंगे तो समझ में आएगा कि नाक आगे होता है, कान पीछे होता है. तो 3D इमेज हम लोग 3D कैमरा शूटिंग कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग थोड़ा सोचते हैं. तो मान लो मेरा 3D शूटिंग करने का कोशिश किया, तो मेरा 3D शूटिंग करते समय मैं एक मोबाइल लूंगा या एक कैमरा लूंगा. एक कैमरा मैं यहां पे रखूंगा जो कि मेरे लेफ्ट वाले चेहरे के हिस्से को शूट करे, और एक कैमरा मैं यहां रखूंगा इस साइड में जो कि राइट वाले हिस्से को
शूट करे, एक राइट वाले हिस्से को शूट करेगा कैमरा, एक लेफ्ट वाले हिस्से को शूट करेगा, फिर दोनों कैमरास का रिकॉर्डिंग हम लोग एक साथ पर्दे पे दिखाएंगे, तो क्या मेरा इमेज 3D में दिखेगा, क्या मैं 3D में दिखने लगेगा, लेफ्ट वाला हिस्सा भी दिखाई देगा, राइट वाला हिस्सा भी दिखाई देगा, गहराई का एहसास आएगा, समझ में आएगा कि कान पीछे है नाक आगे है, नहीं ऐसे हम लोग 3D शूटिंग नॉर्मल कैमरा से नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम लोग को 3D कैमरा यूज करना पड़ेगा। तो 3D कैमरे में ऐसी क्या खास बात होती है, तो उसके लिए हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो 3D कैमरा में कोई खास बात खास नहीं होता है, सिर्फ कैमरे के जगह पे हम लोग एक पोलराइजिंग ग्लास लगा देंगे, जहां पे कैमरे का होल है वहां पे हम लोग एक पोलराइजिंग ग्लास लगा देंगे। एक पोलराइजिंग ग्लास ऐसा जो मेरे शूटिंग करे और वो वर्टिकल प्लेन में या हॉरिजॉन्टल प्लेन में इंफॉर्मेशन स्टोर करे। मान लो ये लेफ्ट वाला जो हिस्सा है, लेफ्ट वाला हिस्सा, ये देखो ये लेफ्ट वाला हिस्सा है कि नहीं, यहां पे हम लोग लेफ्ट वाले हिस्से को मैंने रेड कलर से दिखाया, तो लेट मी शो इट इन रेड कलर। ये मान लो हम लोग का लेफ्ट वाला हिस्से का शूटिंग हो रहा है, तो मेरे लेफ्ट वाले हिस्से का शूटिंग ये लेफ्ट वाला रेड कलर से मैंने बताया, तो रेड कलर में हम मेरा कुछ एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मेरा शूटिंग, देखो क्या होगा, जब हम लोग का ये शूटिंग हो रहा होगा तो यहां पे ये पोलराइजिंग ग्लास लगाया, ये पोलराइजिंग ग्लास हम लोग ने ऐसे रखा, पोलराइजिंग ग्लास हम लोग ने वर्टिकल नहीं रखा, हॉरिजॉन्टल रखा। तो जब हम लोग ने पोलराइजिंग ग्लास हॉरिजॉन्टल रखा तो मेरा जो लेफ्ट चेहरे का इंफॉर्मेशन है वो कैसे स्टोर होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में स्टोर होगा कि नहीं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में स्टोर होगा। तो दिस लेफ्ट चेहरे का इंफॉर्मेशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में स्टोर हो गया, क्योंकि पोलराइजिंग ग्लास सिर्फ एक ही प्लेन के लाइट को अंदर जाने देता है, ये पोलराइजिंग ग्लास सिर्फ एक ही प्लेन के लाइट को अंदर जाने देगा। तो ये मेरा लेफ्ट चेहरा है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ लाइट में रिकॉर्ड हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये जो भी मेरे चेहरे से लाइट रेस आ रहा है इस कैमरे की तरफ वो हॉरिजॉन्टल वाले को जाने देगा, ये जो पोलराइजिंग मटेरियल ये हॉरिजॉन्टल वाले को जाने दे रहा है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मेरे चेहरे का, लेफ्ट वाले चेहरे का इंफॉर्मेशन है। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये पोलराइजिंग ग्लास, ये कैमरा का जो शूटिंग है वो हम लोग अलग से रख देंगे, और हम लोग दूसरे कैमरे जिससे राइट वाला चेहरे का हिस्सा हम लोग देख रहे हैं वो हम लोग ऐसा वर्टिकल लगाएंगे, वो हम लोग वर्टिकल लगाएंगे। तो वर्टिकल में कौन सा स्टोर होता है, वर्टिकल में मेरा राइट चेहरा इधर स्टोर हुआ है, तो वर्टिकल हम लोग ने यहां पे सीधा स्ट्रेट लाइन से दिखाया, वर्टिकल हम लोग ने कैसे दिखाया, स्ट्रेट लाइन से। तो इसमें से मेरे चेहरे में से जो लाइट निकल रहा था उसमें से कौन से प्लेन का लाइट इसने जाने दिया, वर्टिकल प्लेन का लाइट जाने दिया, मेरे चेहरे में से जो लाइट निकल रहा है उस लाइट में से सिर्फ वर्टिकल वाले ने जाने दिया, इस पोलराइजिंग मटेरियल ने वर्टिकल प्लेन वाले इंफॉर्मेशन को जाने दिया। तो ये वर्टिकल वाला इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है और यहां पे हॉरिजॉन्टल वाला इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। तो यहां पे लेफ्ट चेहरा मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में है स्टोर्ड है और राइट वाला चेहरा वर्टिकल प्लेन में स्टोर्ड है। सी अगेन आई विल रिपीट, जब ये दो कैमरा शूटिंग कर रहे हैं तो एक में हम लोग ने पोलराइजिंग ग्लास हॉरिजॉन्टल रखा, दूसरे चेहरे के साइड में मैंने पोलराइजिंग ग्लास वर्टिकल रखा। अब मेरे चेहरे से जो लाइट आ रहा है, यहां लेफ्ट चेहरे से जो लाइट आ रहा है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन वाले पोलराइजिंग मटेरियल से जाके हॉरिजॉन्टल प्लेन में स्टोर हुआ, और मेरे राइट वाले चेहरे से जो आ रहा है, राइट वाले चेहरे का जो लाइट है वो वर्टिकल प्लेन में स्टोर हो रहा है, क्योंकि हम लोग का पोलराइजिंग मटेरियल यहां पे हम लोग ने वर्टिकल अलाइन किया, लेफ्ट वाला हॉरिजॉन्टल अलाइन किया, राइट वाला वर्टिकल अलाइन किया। तो हम लोग को जो यहां पे इंफॉर्मेशन स्टोर होगा लेफ्ट वाले में, लेफ्ट वाले कैमरे में, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा, राइट वाले कैमरे में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होगा वो वर्टिकल प्लेन का स्टोर होगा। डू यू अंडरस्टैंड, एक मैंने पोलराइजिंग मटेरियल हॉरिजॉन्टल रखा इसीलिए हॉरिजॉन्टल प्लेन में मेरा लेफ्ट चेहरे का इंफॉर्मेशन स्टोर हुआ, लेफ्ट वाले लाइट रेस अंदर गए, और दूसरा राइट वाला जो लाइट रेस है वो वर्टिकल प्लेन में, क्योंकि ये पोलराइजिंग मटेरियल वर्टिकल रखा है इसीलिए सिर्फ वर्टिकल वाले को जाने दिया, तो वर्टिकल वाला लाइट रेस इसमें से गया, वर्टिकल वाला लाइट रेस मेरा राइट चेहरा दिखा रहा है,
हॉरिजॉन्टल वाला लाइट रेस मेरा लेफ्ट चेहरा दिखा रहा है। अब ये दोनों इंफॉर्मेशन तो स्टोर हो गए, अब ये दोनों कैमरे के इंफॉर्मेशन हम लोग प्रोजेक्टर से स्क्रीन पे दिखाएंगे, प्रोजेक्टर से स्क्रीन पे दोनों इंफॉर्मेशन एक साथ दिखाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग ये 3D गॉगल लेंगे जिसमें एक साइड रेड कलर का कांच लगाया हुआ है मान लो, और एक साइड मान लो ब्लू कलर का कांच लगाया हुआ है। जैसे मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया, लेफ्ट वाला जो है, लेफ्ट वाला वो हॉरिजॉन्टल रखा था हम लोग ने, राइट वाला है हम लोग ने वर्टिकल रखा था। तो ये दो हम लोग ने जब ग्लास लिए, एक रेड वाला ग्लास लिया जिसमें हॉरिजॉन्टल पोलराइजिंग मटेरियल है, और एक ब्लू वाला ग्लास लिया जिसमें वर्टिकल पोलराइजिंग ग्लास है। तो हम लोग का एक ग्लास ऐसा होगा, एक में हम लोग हॉरिजॉन्टल रखेंगे लेफ्ट साइड में, और इसको हम लोग वर्टिकल रखेंगे। ओके, तो अब जब हम लोग ऐसे रखेंगे तो क्या होगा, हम लोग का लेफ्ट वाला आंख उसके ऊपर हम लोग का हॉरिजॉन्टल वाला पोलराइजिंग मटेरियल है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ लाइट लेफ्ट वाले आंख में जाएगा, लेफ्ट वाले आंख में हॉरिजॉन्टल वाला लाइट जाएगा, और राइट वाले आंख में वर्टिकल प्लेन वाला लाइट जाएगा, क्योंकि राइट वाले में हम लोग ने वर्टिकल पोलराइजिंग ग्लास रखा था, तो वर्टिकल ग्लास रखने के कारण वर्टिकल प्लेन का इंफॉर्मेशन जाएगा। अब मेरे लेफ्ट आंख में हॉरिजॉन्टल प्लेन का इंफॉर्मेशन गया, मतलब लेफ्ट साइड का चेहरा गया, और राइट आंख में वर्टिकल चेहरे का वर्टिकल वाला लाइट गया, मतलब राइट वाले चेहरे का लाइट गया। अब लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन में जाके कंबाइन होंगे, तो ब्रेन में जब कंबाइन होगा, लेफ्ट वाला इमेज ऑफ द मैन्स फेस एंड राइट वाला इमेज ऑफ द मैन्स फेस जब दिमाग में कंबाइन होगा, ब्रेन में कंबाइन होगा, तो हम लोग को एक 3D परसेप्शन आएगा। तो 3D परसेप्शन में हम लोग फिर कंबाइन होने के बाद समझ सकते हैं कि नाक आगे है और कान पीछे। तो दिस इज हाउ द 3D कैमरास एंड 3D गॉगल्स वर्क बाय यूजिंग पोलराइजिंग ग्लासेस। पोलराइजिंग ग्लास कैमरे में भी लगेगा, पोलराइजिंग ग्लास कैमरे में भी लगेगा, और पोलराइजिंग ग्लास गॉगल्स में भी लगेगा। अगर हम लोग ये गॉगल्स पहने भी ना डायरेक्टली अगर इंफॉर्मेशन देखे, तो फिर से पहले जैसा ही दिखाई देगा, लेफ्ट और राइट दोनों एक साथ दिखाई देंगे तो ब्लर्ड दिखाई देगा। जब हम लोग ये गॉगल लगाएंगे तो एक आंख में लेफ्ट वाले हिस्से का चेहरा देखो, एक आंख हम लोग का लेफ्ट चेहरे का विजन लेगा, और दूसरा आंख हम लोग का राइट वाले चेहरे का विजन लेगा, और दोनों विजन जाके कहां पे कंबाइन होंगे, ब्रेन में कंबाइन होंगे। Both these visions will combine in brain and we will get that depth effect, that 3D effect which we want to see. तो ये ऐसे हम लोग का 3D movie camera shooting करेंगे और ऐसे 3D goggles work करेगा। The same concept of polarization we can use in car headlights, LCD monitors to avoid glare. एक plane में light रहेगा तो उतना glare नहीं रहेगा, हम लोग को image थोड़ा सा, जैसे हम लोग रात को अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो हम लोग को सामने अगर गाड़ी आता है तो उसका हेडलाइट बहुत ही स्ट्रांग हर डायरेक्शन में लाइट भेजने वाला हम लोग को एक साथ आंख में जाएगा और ग्लेयर आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग रात को गाड़ी चलाते समय पोलराइजिंग ग्लास यूज कर सकते हैं, या तो फिर हम लोग हेडलाइट में ही, जो गाड़ी है सामने उसके हेडलाइट में ही पोलराइजिंग ग्लास अगर लगा दे तो उतना ग्लेयर हमारे आंखों में नहीं आएगा, और रात को ड्राइविंग करते समय एक्सीडेंट से बच सकते हैं। तो दीज आर द यूजेस ऑफ पोलराइजेशन एंड पोलराइजिंग ग्लास। नाउ आफ्टर दिस लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। हम लोग ने डॉपलर इफेक्ट इन साउंड ऑलरेडी देखा था, जिसमें हम लोग ने ट्रेन का एग्जाम्पल दिया था। एक मैं स्टेशन पे मान लो बैठा हूं और एक ट्रेन मेरी तरफ आ रहा है, जब ट्रेन मुझे अप्रोच कर रहा है, व्हेन द ट्रेन इज अप्रोचिंग द ऑब्जर्वर we hear high frequency. When the train recedes away from the observer, जब ट्रेन दूर जा रहा है तो we hear low frequency. तो वैसा ही इफेक्ट डॉपलर इफेक्ट लाइट में हमें दिखाई देता है। जैसे मान लो एक स्टार है, ये अर्थ है, अर्थ पे मैं खड़ा हूं, इधर ऑब्जर्वर है मान लो, ओके, तो दिस इज द ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। अब एक स्टार है, एक स्टार अर्थ की तरफ आ रहा है, तो ये वैसा ही सिचुएशन है जैसे एक ट्रेन ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है। एक ट्रेन ऑब्जर्वर की तरफ आता है तो उसे हाई फ्रीक्वेंसी सुनाई देता है। तो एक स्टार जब ऑब्जर्वर की तरफ आता है तो हम लोग को हाई फ्रीक्वेंसी दिखाई देगा, वो स्टार
ब्लू जैसा दिखाई देगा, वो स्टार हम लोग को ब्लूइश कलर का दिखाई देगा. द स्पेक्ट्रम ऑफ द स्टार विल बी टुवर्ड्स ब्लू शिफ्ट. द स्पेक्ट्रम जो होगा लाइट का स्पेक्ट्रम होगा उस स्टार का, दैट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द ब्लू साइड. क्यों? क्योंकि ब्लू का फ्रीक्वेंसी हाई है. जब हम लोग विगबर लिखते हैं ऐसा VIBGYOR, वायलेट का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और रेड का फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा. जब ऑब्जर्वर की तरफ ये स्टार आएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा. फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा मतलब वायलेट कलर दिखाई देगा. बट अवर आईज आर मोर सेंसिटिव टू ब्लू कलर देन वायलेट, इसीलिए हम लोग को वायलेट भी ब्लू जैसा दिखाई देगा. क्योंकि ब्लू कलर के लिए हम लोग की आंख बहुत सेंसिटिव है, तो इसीलिए हम लोग को ये एक स्टार ब्लूइश कलर का दिखाई देगा जो अप्रोच कर रहा है. और कोई स्टार ऐसा है जो दूर जा रहा है हमसे, अर्थ से दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो हम लोग को वो वैसा ही सिचुएशन है जैसे एक ट्रेन ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है. जब ट्रेन दूर जाता है तो हमें लो फ्रीक्वेंसी सुनाई देता है, वैसे ही जब ये स्टार दूर जाता है तो हमें लो फ्रीक्वेंसी दिखाई देगा. लो फ्रीक्वेंसी किसका है? रेड कलर का. रेड कलर का फ्रीक्वेंसी लो है. देखो रेड कलर का फ्रीक्वेंसी लो है तो लो फ्रीक्वेंसी दिखाई देगा, इसीलिए स्टार हम लोग को रेड कलर का दिखाई देगा. नाउ व्हेन वी ऑब्जर्व एवर यूनिवर्स, हम लोग जो भी हम लोग सोलर सिस्टम देखते हैं, दूसरे स्टार्स को देखते हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्टार्स, मोस्ट ऑफ द गैलेक्सीज, दे अपीयर टू बी रेडिश, रेड कलर का दिखाई देता है हम लोग. मोस्ट ऑफ द स्टार्स हम लोग जब ऑब्जर्व करते हैं उनका स्पेक्ट्रम इज टुवर्ड्स द रेड साइड. द स्पेक्ट्रम ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टार्स इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द रेड साइड. हेंस वी कैन अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द स्टार्स, मोस्ट ऑफ द गैलेक्सीज, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ. तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं अर्थ के आजू बाजू सब दूर जा रहे हैं, इसीलिए पूरा यूनिवर्स एक्सपांड कर रहा है. हमारे अर्थ से सब दूर जा रहा है, सोलर सिस्टम से सब दूर जा रहा है, तो हेंस द यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग. यही हम लोग ने बायोलॉजी में बिग बैंग थ्योरी पढ़ा है, द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स. तो वहां पे हमने देखा था, बायोलॉजी में तुमने पढ़ा रहेगा, यूनिवर्स पहले छोटा था, फिर अचानक से ऐसा बैंग हुआ और फिर यूनिवर्स में सब पार्टिकल्स दूर 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 जा रहे हैं. एंड बाय यूजिंग दिस रेड शिफ्ट वी कैन अंडरस्टैंड कि सब स्टार्स हम लोग से दूर जा रहे हैं, गैलेक्सीज हम लोग से दूर जा रहे हैं, इसीलिए यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग. तो कभी तो यूनिवर्स छोटा रहा होगा, फिर अचानक से बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से एवरीवन इज मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर. सो दिस इज द फेनोमेना ऑफ रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट. व्हेन वी हैव ऑब्जर्वर, अ स्टार कमिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, वी सी लो फ्रीक्वेंसी, सॉरी वी सी हाई फ्रीक्वेंसी. व्हेन द स्टार अप्रोचेस द ऑब्जर्वर, वी हियर हाई फ्रीक्वेंसी, वैसे यहां पे वी सी हाई फ्रीक्वेंसी. हाई फ्रीक्वेंसी मतलब वायलेट कलर, बट अवर आईज आर मोर सेंसिटिव टू ब्लू, हेंस दिस इज नोन एज ब्लू शिफ्ट. व्हेन द स्टार इज रिसीडिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, वी सी रेड शिफ्ट. फ्रीक्वेंसी कम होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी रेड का कम है, इसीलिए इसको रेड शिफ्ट बोलते हैं. एंड द फॉर्मूला इज लाइक व्हाट वी हैव इन डॉपलर इफेक्ट इन साउंड, उसी तरह का एक फॉर्मूला है, हम लोग को याद करना है. एफ डैश इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट 1 प्लस माइनस वी आर अपॉन सी अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. अब इसमें देखो ये वी सी क्या है, वी और सी ये सब क्या है टर्म्स, ये हम लोग देख लेते हैं. हियर एफ डैश इज द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स एज सीन बाय ऑब्जर्वर, जैसे डॉपलर इफेक्ट इन साउंड में था वैसा ही है. एफ इज द रियल फ्रीक्वेंसी, तो रियल फ्रीक्वेंसी किसका, वो स्टार, वो ऑब्जेक्ट जो भी तुम देख रहे हो, लाइट जो भी लाइट सोर्स है उसका रियल फ्रीक्वेंसी. और वी आर क्या है, रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ सोर्स रिलेटिव टू ऑब्जर्वर. वी आर इज द रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ सोर्स रिलेटिव टू ऑब्जर्वर. ओके, सोर्स का जो वेलोसिटी है, सोर्स का जो वेलोसिटी है रिलेटिव टू ऑब्जर्वर, ये वी आर है. ओके, सोर्स का अगर ये सोर्स दूर जा रहा है तो ये वी आर है. ओके, और सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो कि हम लोग को पता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी ऑफ लाइट का वैल्यू सबको याद ही है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम. ओके, नाउ अगर मान लो ऐसा हो गया, देखो मोस्टली तो ये स्टार का जो भी वेलोसिटी है, ये स्टार जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है वो वेलोसिटी तो बहुत ही कम होगा एज कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट. देखो स्टार लाइट दे रहा है लेकिन स्टार का खुद का भी कुछ तो वेलोसिटी है, एंड दैट वेलोसिटी इज वी आर. लाइट का वेलोसिटी तो सी है, लाइट का वेलोसिटी क्या है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, बट जो स्टार का मोशन का वेलोसिटी है वो
VR. Okay, तो VR is the velocity of motion of star. तो star का velocity तो बहुत ही कम होगा as compared to light का velocity, है कि नहीं? तो इसीलिए हम लोग ये term में, जब यहाँ पे ये VR upon CE term देखेंगे, तो VR बहुत छोटा, CE बहुत बड़ा. तो VR बहुत छोटा, C बहुत बड़ा, तो VR upon C बहुत ही छोटा होगा और उसका स्क्वायर बहुत 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 छोटा होगा, इतना छोटा कि ये नेगलेक्ट कर देंगे. तो रूट ऑफ 1 हो जाएगा 1. तो हम लोग का यहां पे जब वेलोसिटी ऑफ स्टार इज मच मच लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, व्हिच इज ऑलवेज द केस, तो वी कैन रिड्यूस दिस फार्मूला टू ये टर्म नीचे रूट ऑफ 1 हो जाएगा, व्हिच इज 1 इटसेल्फ. तो हम लोग का फार्मूला हो जाएगा f डैश इज f bracket 1 plus minus VR upon C. This is the formula which we'll use always in our calculations. फिर और एक formula जो हम लोग को याद रखना है, change in frequency upon original frequency is equal to change in wavelength upon original wavelength is equal to VR upon C. ये formula भी हम लोग को याद करना है for Doppler effect.